शक्तिमान की मूवी में शक्तिमान के उड़ने का स्टाइल कैसा होगा, क्या आपको पता है बिहार के वतनपुर गांव की लड़कियों की शादी आखिर क्यों नहीं होती, और टाइटैनिक मूवी की हीरोइन केट विंसलेट अपने अवार्ड को बाथरूम में क्यों रखती है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर वन, भवानी मंडी भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो दो स्टेट के बीच में बटा हुआ है, और जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन पर खड़ी होती है तो उस ट्रेन का एक हिस्सा राजस्थान में होता है और एक हिस्सा मध्य प्रदेश में। नंबर टू, केट विंसलेट जिन्होंने टाइटैनिक मूवी में यंग रोज का रोल प्ले किया था जिसके लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, बट क्या आपको बताएं इन्होंने अपने उस अवार्ड को अपने घर के बाथरूम में रखा है ताकि कोई घर में आया मेहमान बिना किसी झिझक के उस अवार्ड को हाथ में पकड़कर देख सके। नंबर थ्री, चाइना के एक फेमस बिजनेसमैन सेसिल चाओ जे सुंग ने यह ऑफर रखा है कि जो व्यक्ति इनकी बेटी से शादी करेगा उसे $180 मिलियन दिए जाएंगे, बट अफसोस आज तक इस ऑफर को कोई जीत नहीं सका क्योंकि इनकी बेटी गिगी एक लेस्बियन है और वो पिछले 10 सालों से अपने लेस्बियन पार्टनर के साथ ही रहती है, इसीलिए इनके डैड ने ये ऑफर रखा है। नंबर फोर, दोस्तों अगर आपको नॉर्मल आवाजों को सुनने से गुस्सा आता है, जैसे कि कोई व्यक्ति जोर जोर से सांस लेता है या खाना खाते समय चबा चबा कर खाना खाता है जिससे निकलने वाले आवाजों से आपको गुस्सा आता है, तो इसका मतलब आपको मिसोफोनिया है। नंबर फाइव, कई सालों पहले एक प्रिस्ट ने एक 4 साल के बच्चे को डूबने से बचाया था जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि उस प्रिस्ट ने जिस बच्चे को डूबने से बचाया था वो और कोई नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर था जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 60 लाख से भी ज्यादा लोगों को मारा था। नंबर सिक्स, क्या आपको पता है दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन में फ्री में रेलवे टिकट दी जाती है, बट इसके लिए आपको उस रेलवे स्टेशन में लगे एक मशीन के सामने 3 मिनट में 30 बार उठक बैठक करना पड़ेगा। नंबर सेवन, दोस्तों बिहार का वतनपुर गांव एक ऐसा गांव है जहां बंदरों के आतंक के चलते उस गांव की लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है। दरअसल इस गांव में किसी भी लड़की की शादी लगती है तो उनके शादी के दिन ही उनकी शादी टूट जाती है क्योंकि वहां के बंदर शादी के दिन ही बारात आ रहे बारातियों पर हमला कर देता है। नंबर एट, साल 1930 में एक आर्टिकल में एक तस्वीर छपी थी जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और इस तस्वीर के नीचे ये लिखा था कि फ्यूचर में इंसान वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे से बातें कर पाएगा। नंबर नाइन, साल 1827 में जुलू एम्पायर के किंग साकार ने अपनी मां की मौत के बाद 7000 लोगों को मारने का ऑर्डर दे दिया क्योंकि उन 7000 लोगों को उनकी मां के मौत का दुख नहीं था, और इतना ही नहीं उन्होंने कई गायों को भी मरवा दिया ताकि उन गाय के बच्चों को पता चल सके कि एक मां को खोना क्या होता है। दोस्तों इसे पागल राजा के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 10, दोस्तों अगर आपने शक्तिमान की टीवी सीरीज देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि शक्तिमान के उड़ने का स्टाइल कुछ ऐसा था, बट हाल ही में मुकेश खन्ना जी जिन्होंने शक्तिमान की टीवी सीरीज में शक्तिमान का रोल प्ले किया था, इन्होंने शक्तिमान की मूवी का अनाउंसमेंट कर दिया है जो जल्द ही हमें बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। बट सवाल यह है कि शक्तिमान मूवी में शक्तिमान के उड़ने का स्टाइल कैसा होगा, क्योंकि आजकल के ऑडियंस ऐसे स्टाइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही ऐसे लो VFX को, और इस बारे में कोई खबर हमें अभी तक सुनने को नहीं मिली है। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि शक्तिमान मूवी में शक्तिमान के उड़ने का स्टाइल इटर्नल्स मूवी के ग्रीस और सुपरमैन से इंस्पायर होगा। नंबर 11, दोस्तों एक समय सोशल मीडिया पर एक न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रहा था कि यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी का फेस हॉलीवुड के मशहूर एक्टर विन डीजल से काफी मिलता है, जिसके बाद एक इंटरव्यू के दौरान एक न्यूज एंकर ने भी उनसे ये कहा था कि आपका फेस विन डीजल से काफी मिलता जुलता है, जिसे सुनने के बाद योगी जी हंसने लगे थे। दोस्तों वैसे क्या आपको भी योगी जी विन डीजल जैसे लगते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी हो तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो प्लीज कर देना।